हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 55। श्री भगवान वाच प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदुच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति के समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त सिद्ध प्रज्ञ कहा जाता है। पिछले श्लोक में 54 नंबर श्लोक में हमने देखा अर्जुन 4 प्रश्न पूछते हैं और इन 4 प्रश्नों का उत्तर भगवान 55 नंबर श्लोक से 72 नंबर श्लोक तक देंगे। पहले प्रश्न का उत्तर भगवान 55 में अभी दे रहे हैं। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। क्या बोलते हैं? प्रजाहति मतलब छोड़ दो। क्या छोड़ दूं भगवान? आप बोल रहे हैं छोड़ दो, क्या छोड़ू? प्रजाहति यदा कामान, कामान मतलब इच्छाएं, इच्छाओं को छोड़ दो अर्जुन, इच्छा को छोड़ दो। कौन सी इच्छा को छोड़ो बताइए, जल्दी टिक कर लेता हूं, लिख लेता हूं, कौन सी इच्छा छोड़ो? सर्वान, अरे सभी इच्छाओं को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं भगवान, बोल रहे हैं सभी इच्छाओं को छोड़ दो। तो प्रभु फिर कैसे चलेगा? सब इच्छा छोड़ दी, आप तो कहते हो कि भक्ति की इच्छा करो। तो भक्ति की इच्छा नहीं छोड़ने बोल रहे हैं भगवान, यहां क्या बोल रहे हैं? प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। अर्जुन, हे पार्थ, जो मन से उत्पन्न हुई इच्छाएं हैं उन सब इच्छाओं को छोड़ दो, क्योंकि मन दूषित है, मलिन हो चुका है, गंदा हो चुका है, तो उसमें से जो इच्छा होगी वो भी गंदी निकलेगी, मलिन निकलेगी, दूषित निकलेगी, और वो इच्छा हमको सिर्फ बंधन में फंसाएगी, इस भौतिक संसार में हमको अटका के रखेगा। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो नहीं लड़ने की इच्छा है ना अर्जुन, ये तुम्हारे मन से उत्पन्न हुई है, इसको छोड़ दो। यदि तुमने मुझे अलग अलग कारण बताया, हालांकि भगवान ने सब तर्कों को, पांचों तर्कों को काट दिया, फिर अर्जुन पूछते नहीं नहीं बताइए, स्थित प्रज्ञ जो आपका शुद्ध भक्त है वो कैसा होता है? तो उसके मन में कोई इच्छा नहीं होती, अपने मन से इच्छा नहीं करता है। अगर भगवान चाहते हैं अर्जुन तुम लड़ो और भीष्म को मार दो तो मार दिया, अगर भगवान बोल रहे हैं कि तुम वनवास चले जाओ, वनवास चले, अगर भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन भगवान नहीं अर्जुन को बोला, अर्जुन ये वनवास का समय जो है इसको व्यर्थ में मत जाने दो, जाओ और पशुपात अस्त्र ये लेके आओ, शिव जी से जाओ, अपने पिता इंद्र के पास स्वर्ग में, वहां से बहुत सारे देवी अस्त्र प्राप्त करके आओ। हालांकि अर्जुन को युद्ध में कुछ चलाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो जो भगवान का भक्त होता है ना, वो क्या करता है? अपने मन की इच्छा नहीं करता। जो भगवान और भगवान के प्रतिनिधि गुरु कह रहे हैं वो दोनों को सुन के बस करता रहता है। ये कौन कर सकता है? जो समझ जाए, जिसकी बुद्धि में ये बात बैठ जाए, बुद्धि भी दूषित है, भक्ति करके, भगवद गीता पढ़ के, भागवतम पढ़ के, हरे कृष्ण महामंत्र जप करके, भगवान की सेवा करके बुद्धि को शुद्ध करते हैं, मन को शुद्ध करते हैं, फिर बुद्धि में बात बैठ जाती है कि कृष्ण मेरे परम हितैषी हैं और कृष्ण कह रहे हैं सुहृद सर्वभूतानाम, ये सारे जीव जो हैं अर्जुन वो सुहृद हैं, मतलब वो मेरे हृदय के बहुत पास रहते हैं। और देखिए, कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति हो, आपका साथ हर जगह नहीं दे सकता। ऐसा कोई संबंध नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। कुछ लोग भले बोलेंगे मैं हमेशा आपके साथ हूं, लेकिन नहीं हो सकते, इस जीवन में भी हमारा साथ नहीं दे सकते, तो ये तो शरीर के छूटने के बाद यानी मृत्यु के बाद कौन हमारा साथ देगा? लेकिन भगवान हमेशा हमारे साथ है। हम मनुष्य शरीर में है, भगवान हमारे साथ है। हमको गाय का शरीर मिलेगा, भगवान हमारे साथ है। सांप का शरीर मिलेगा, भगवान हमारे साथ है। बंदर का, गधे का, घोड़े का,
वायरस का, वृक्ष का, पौधे का जो शरीर मिलेगा, देवता का, असुर का, राक्षस का, भगवान हमारे साथ है। भगवान है सुहृद। तो जब ये समझ जाएंगे कि भगवान हमारे परम हितैषी हैं और भगवान ने प्रतिनिधि को भेजा है अपने हम तक उनका संदेश पहुंचाने के लिए और हमको सुधारने के लिए, तो वो गुरु हैं, प्रामाणिक गुरु, हर गुरु नहीं, प्रामाणिक गुरु होना चाहिए, भगवान से वो स्टैम्प करके लाना चाहिए, ऑथराइज्ड एजेंट होना चाहिए ना भगवान का। ऐसा थोड़ी कल मैं कह दूंगा कि मैं आपके घर पे आ जाऊंगा, मैं कहूंगा मैं प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि हूं, आपके घर पे आया हूं, हमारा स्वागत करो, हमें ये फैसिलिटी दो, आप थोड़ी मानोगे। आप बोलोगे दिखाओ आईडी कार्ड, मैं बोलूंगा मैं सीबीआई से हूं या मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हूं, रेड लगाना है, आईडी कार्ड दिखाओ। आईडी कार्ड होता है ना, स्टैंप लगा होता है। तो ऐसे ही जो स्टैंप लगे हुए गुरु होते हैं, भगवान ने स्टैंपिंग किया है, उसको प्रामाणिक बोलते हैं, वो हमारे परम हितैषी। एक छोटा बच्चा होता है, क्यों अपने माँ बाप को पालन करता है, क्यों सुनता है अपने माँ बाप और दूसरों की नहीं सुनेगा? क्योंकि उसको पता है कि मेरे पिता, मेरी माता जो है, ये मेरे भले के लिए कर रहे हैं। तो जब हमको पता पड़ जाएगा कि गुरु और कृष्ण हमारे भले के लिए कर रहे हैं, तो जो वो कहेंगे उसको करने से क्या होगा, हमारा भला होगा। भगवान का एक नाम है हरि। हरि मतलब जो सारी अशुभ चीजों को हमारे जीवन से हटा देते हैं। लेकिन हमको सुनना पड़ेगा। जैसे हम वैद्य के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बोलता है कि आप ये मत खाइए, ये खाइए, दो चीजें मत खाना, ये खाना, ये दो, और तीसरा दवाई, मतलब डाइट और मेडिसिन। और डाइट में ये खाना है, ये नहीं खाना है, और ये मेडिसिन लेनी है। उसमें क्यों हम पालन करते हैं डॉक्टर का? क्योंकि हमको पता है कि हमारे शरीर में जो टॉक्सिक भर गया है ना, जो जहर भर गया है, उसको निकालने के लिए डॉक्टर ये कर रहा है। हम डॉक्टर का मानते हैं। हम किसी कोर्ट केस में फंस जाते हैं तो वकील हायर करते हैं, वकील जो बोलता है हम करते हैं। क्यों? हमको पता है हमको निकालेगा। सक्सेस होगा कि नहीं पता नहीं, डॉक्टर सक्सेस होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन भगवान तो 100% सक्सेस होंगे ना। भगवान के तो फेल होने का सवाल ही नहीं उठता। तो जो भगवान कह रहे हैं हमारे लिए, वो हमें करना चाहिए, अपने मन से नहीं करना चाहिए। इसी को भगवान बोल रहे हैं कि जो मन में उत्पन्न हुई तुम्हारी इच्छाएं हैं अर्जुन, उसको छोड़ दो, तुम वही करो जो मैं कहता हूं। तो हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए? मतलब हमारी इच्छा होनी चाहिए भगवान की जो इच्छा है या भगवान की वाणी है, उसको पूरा करने के लिए हमारी चेष्टा होनी चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज, वे हमेशा कहते कि कृष्ण अर्थे अखिल चेष्टा। जितनी भी आप मेहनत करो, जितना भी आप बुद्धि लगाओ, जो भी आपके पास रिसोर्सेस है, वो कृष्ण की सेवा के लिए लगाओ। तब भगवान हरि सब अशुभ चीजों को हर लेंगे और सिर्फ शुभ आपके जीवन में रहेगा। तो भगवान बोल रहे हैं क्या कि ये सब छोड़ दो और फोकस करो किस पे, जो मैं कह रहा हूं। उसमें क्या मिलेगा? उसमें हमने बताया ये सिर्फ शुभ होगा आपके संसार। लेकिन अभी ट्रांजिशन फेज में ना, जैसे डॉक्टर के पास जब जाते हैं, कई बार डॉक्टर बोलता है अरे प्रभु जी, बॉडी को इतना डैमेज करके लाते हैं पेशेंट, तो उसको ठीक करने में टाइम तो लगेगा ना। अभी हमने जैसा बचपन में हमको बॉडी मिलता है, हा? हम क्या करते हैं, अगला 20 25 30 साल तक उसको पूरा डैमेज कर देते हैं। कुछ भी खाते हैं, हमारा सोने का, उठने का, खाने का कुछ नियम नहीं, सब कुछ भी करते हैं, अब बॉडी डैमेज हो गई। अब क्या हो रहा है, जैसे अगर आप पेट्रोल वाली कार में डीजल डाल देंगे या मिट्टी का तेल डाल देंगे या पानी डाल के चलाएंगे, तो इंजन का क्या होगा? तो ऐसे हमारी बॉडी हो गई। तो डॉक्टर को पूरा क्लीन करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो वो ट्रांजिशन फेज है ना। ऐसे ही हम जब भक्ति प्रारंभ करते हैं, भगवान जो कह रहे हैं वो सुनते हैं, भगवान के प्रतिनिधियों को सुनते हैं, तो फिर हम धीरे 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 ट्रांजिशन फेज होता है। ऐसा नहीं कि आज मैं भगवान का वाणी भगवद गीता पढ़ा और वो कर दिया तो सब ठीक हो गया, नहीं, थोड़ा ट्रांजिशन फेज तो रहेगा ना। हमारे प्रारब्ध जो कर्म है वो तो हमें लेने पड़ेंगे।
तो वो थोड़ा ट्रांजिशन को सहते हुए और आगे बढ़िए। इसको सहने को भगवान ने हमें पहले ही बता दिया, उसको आगे बढ़िए, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करेंगे, ये भगवान अर्जुन को यहाँ पे बता रहे हैं। तो इच्छाएं सब नहीं छोड़नी है। कौन सी इच्छाएं छोड़नी है? जो मन की इच्छा है, क्योंकि मन दूषित है। लेकिन वो इच्छाएं जो भगवान की इच्छा है, जैसे आपकी इच्छा हो रही है कि मैं भगवद्गीता पढ़ूं और समझूं और दूसरों को पढ़ाऊं, तो बहुत अच्छी इच्छा है। हाँ, आपकी इच्छा है कि हमारे एरिया में नगर संकीर्तन हो, हम इस्कॉन मंदिर से भक्तों को बुलाएंगे और अपने एरिया में, अपने इस कॉलोनी में संकीर्तन कराएंगे, बहुत अच्छी इच्छा है, क्योंकि ये तो भगवान चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है। अगर आपकी इच्छा है कि बहुत आज अच्छा आज उत्सव है, तो बड़ा अच्छा भगवान के लिए भोग बना के भगवान को लगाएंगे, और रामनवमी आ रही है तो भगवान के लिए हम अच्छा सुंदर ड्रेस बनाएंगे। तो ये सारी जो इच्छाएं हैं, ये आपको आगे बढ़ाएंगे भक्ति में। और मन की इच्छाएं हैं, चलो मैं भोग करूंगा, या मैं नशा करूंगा, या मैं संसार को जो है संसार का पूरा स्वामी मैं बनूंगा, ये इच्छाएं आपके मन की होती है, ये इच्छा हमको और फंसाते जाती है। अभी जो इच्छाएं भगवान छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, आर्टिफिशियली नहीं छोड़ सकते। जैसे कोई पेशेंट है, उसको आप छोड़ने के लिए बोला, नहीं छोड़ेंगे। तो अभी हमको बोलेंगे मन की इच्छाएं छोड़ दो, हम इमिडिएटली नहीं छोड़ेंगे। तो हमको क्या करना है, जो भक्ति करने के लिए बोल रहे हैं भगवान, जैसे हम भक्ति करते जाएंगे तो क्या होगा, हमारी चेतना, हमारा मन, हमारा बुद्धि, ये सब शुद्ध होगा। और ये जो भौतिक इच्छाएं हैं, फिर जो मन से उत्पन्न इच्छाएं, दूषित मन से, अपने आप छूटती चली जाएंगी, अपने आप छूट जाएंगी। इनको छोड़ने का प्रयास करेंगे, लोग करते हैं, और ऋषि योगी इन लोग करते हैं इसको छोड़ने का, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं जोड़ते तो खाली रह नहीं सकते। तो इसीलिए जाते तो हैं तपस्या करने, फिर वापस आ जाते हैं, फिर हॉस्पिटल खोलते हैं, कोई पॉलिटिक्स में जाता है, कोई स्कूल खोलता है, वो देश तो फिर उनका खत्म हो जाता है। वो गए किस लिए थे तपस्या करने? इसीलिए हम तो हिमालय नहीं जा सकते, भगवान वो बोल भी नहीं रहे। अर्जुन तो जानना चाहता था, अर्जुन बोले तुम युद्ध करो, अब अपने घर में रहिए, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपनी घर गृहस्थी चलाते हुए भगवान की भक्ति को लेके आइए। ये जो बाहर का चीज है ना, जो दूषित चीज है, वो अपने आप साफ हो जाएगा। आप अमृत लेके आइए, जहर अपने आप जीवन से हमारे निकल जाएगा। हरे कृष्ण।